ओम शांति। आज 2 मार्च 2024 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर है, उन्नति का आधार है लव यानी प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है, बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूप धारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे।